नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल अम्बी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। एक औरत जब गैंगरेप से गुजरती है तो उसका शरीर ही नहीं, उसकी आत्मा, उसका दिलो दिमाग भी जख्मी हो जाता है। और अगर उसके परिवार को भी उसके सामने न केवल जख्मी कर दिया जाए बल्कि उनकी जान ले ली जाए, उन्हें ख़त्म कर दिया जाए, तो उसका क्या हाल होगा। और फिर सालों अपने लिए न्याय मांगने के बाद उसे जब ये पता चलता है कि वो दरिंदे कानून की गिरफ्त से छूट गए हैं, समझिए उस औरत का दर्द। शायद आप नहीं समझ पाएंगे, ये दंश जो झेलता है वो ही समझ सकता है, और वो दंश झेलने वाली औरत है बिकलिस बानो। गुजरात में गोधरा कांड के बाद 2002 में बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के साथ लोगों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे सभी 11 दोषी रिहा कर दिए गए हैं। गुजरात सरकार ने अपनी क्षमा नीति के तहत इनकी रिहाई की मंजूरी दी है। 3 मार्च 2002 बिल्किस बानो के लिए यह दिन उसकी जिंदगी की तबाही का दिन था। उसके गर्भ में 5 महीने का बच्चा पल रहा था, जिसके स्वागत के लिए पूरा परिवार बेताब था, तैयारी कर रहा था, उसके घर खुशी आने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही गोधरा कांड के बाद हुए गुजरात दंगों ने सब कुछ तबाह कर दिया। दंगाइयों की भीड़ बिल्किस के घर में घुसती है और बड़ी बेरहमी से उसकी आंखों के सामने ही पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाता है। दंगाइयों का मन नहीं भरता इससे भी। फिर उन्होंने बिल्किस के साथ हैवानियत की, उसके साथ एक एक करके कई लोगों ने गलत काम किया, उसकी आत्मा तक को रौंद दिया। वो दर्द से तड़प करके बेहोश हो गई। होश आया तो वो न्याय के लिए लंबी कानूनी लड़ाई में लग गई। उसके दोषियों को उम्र कैद हुई, लेकिन अब उन्हें गुजरात सरकार ने जेल से रिहा कर दिया है। दोषी ने 15 साल से अधिक की सजा काट ली है और समय से पहले रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को उनकी सजा माफ करने के मुद्दे पे गौर करने का निर्देश दिया था। सरकार ने एक समिति का गठन भी किया था और इस पैनल की जाँच रिपोर्ट के बाद दोषियों को 15 अगस्त के दिन जेल से आजाद कर दिया गया। पैनल की अध्यक्षता करने वाली पंचमहल की कलेक्टर सुजल मयात्रा ने कहा कि कुछ महीने पहले गठित समिति ने मामले के सभी 11 दोषियों की छूट के पक्ष में सर्वसम्मति से निर्णय लिया था और राज्य सरकार को सिफारिश भेजी थी कि स्वतंत्रता दिवस पर दोषियों को रिहा कर दिया जाए। गैंग के बाद ये जो उसके साथ दरिंदगी होती है गैंग के द्वारा, वो बहुत ही दर्दनाक थी। 3 मार्च 2002 का दिन था। गोधरा के बाद दंगों के दौरान दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका के रंधिकपुर गांव में भीड़ बिल्किस बानो के घर में घुसती है, परिवार पर हमला होता है, और उस समय वो 5 महीने की गर्भवती थी और उसके साथ एक पूरे गैंग ने दरिंदगी की और उसके परिवार के 7 सदस्यों की भी हत्या कर दी है। बिल्किस बानो का ये मामला गुजरात दंगों का सबसे ज़्यादा स्याह पहलू था। बिल्किस उस समय मात्र 21 साल की थी, गर्भवती थी। गोधरा गुजरात दंगों के बाद उनके साथ जो कुछ भी है उसने उसकी आत्मा ही नहीं, उसके दिलो दिमाग को भी जख्मी कर दिया। इनमें से 6 लोग भागने में सफल रहे और इस मामले के दोषियों को 2004 में गिरफ्तार किया गया था। गैंगरेप के बाद लगभग 3 घंटे तक बिल्किस बेहोश रहती है और वो उस दर्द से गुजर रही थी जिसको वो बयां नहीं कर पा रही थी। उठ नहीं पा रही थी, चल नहीं पा रही थी। होश आने के बाद किसी तरीके से उसने खुद को संभाला
उसके दिल में ये डर भी था, ये खौफ भी था कि अगर यहाँ वो कुछ देर और ठहरी तो मार दी जाएगी। वो नंगे बदन ही बाहर भागती है और एक आदिवासी महिला से कपड़े उधार लेती है। होमगार्ड ने बिल्किस को देखा तो उसे लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन ले गया, जहाँ उसने पुलिस में शिकायत दर्ज की। स्थानीय पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस ने सबूतों के अभाव में केस को खारिज कर दिया। इसके बाद बिल्किस मानवाधिकार आयोग पहुंचती है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया था और सीबीआई को मामले की नए सिरे से जांच करने का आदेश दे दिया। सीबीआई ने चार्जशीट में 18 लोगों को दोषी पाया था। इनमें से 5 पुलिसकर्मी समेत 2 डॉक्टर भी शामिल थे, जिन्होंने आरोपियों की मदद करने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया था। कितनी लंबी और थकाऊ लड़ाई लड़ती रही बिल्किस। बिल्किस ने किसी तरीके से खुद को बचाया और न्याय के लिए वो लगातार खड़ी रही। उधर बिल्किस के परिवार वालों को लगातार धमकियां मिल रही थी। 2 साल में उन्होंने 20 बार अपना घर बदला। बिल्किस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना केस गुजरात से बाहर किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट करने की गुहार लगाई। 2008 में मुंबई के एक सेशन कोर्ट में 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इनमें से 3 ने बिल्किस के साथ रेप की बात स्वीकार भी की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मई 2017 को सभी आरोपियों की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी और 7 दोषियों को बरी करने का आदेश ठुकरा दिया। इसमें पुलिस और डॉक्टर भी शामिल थे, जिन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी। कोर्ट ने सभी दोषियों को 55,000 रुपये के मुआवजे के रूप में बिल्किस को देने का आदेश दिया। इसके बाद जिन पुलिसकर्मियों को हाई कोर्ट ने जांच में दोषी पाया था, गुजरात सरकार ने उन्हें बहाल कर दिया। इसके बाद मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और पुलिसकर्मियों को पेंशन सुविधा देने से रोक लगाई। साथ ही एक आईपीएस अधिकारी को डिमोट करने का भी आदेश दिया। अहमदाबाद में ट्रायल शुरू हुआ। हालांकि बिल्किस बानो ने आशंका जताई कि गवाहों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और सीबीआई द्वारा जो इकट्ठे किए गए सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में मामले को मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया और विशेष सीबीआई अदालत ने बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों से सामूहिक बहशियाना हरकत और हत्या के आरोप में 21 जनवरी 2008 को 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2018 के अपने आदेश में आरोपी व्यक्ति को उनकी दोष सिद्धि को बरकरार रखते हुए मामले में 7 लोगों को बरी करने के लिए करने का जो आदेश था उसको भी खारिज कर दिया। तो दोस्तों, वो लोग रिहा हो गए हैं। मैं समझती हूँ कि एक तरफ बिल्किस है जिसने बहुत दर्द झेला, लेकिन बात यह है कि जो सजा उन्हें मिली है करीब 14 साल की, वो सजा भी कुछ सोच समझ के उनको दी गई और उसके बाद अब उनको रिहा किया गया है। और जो बिल्किस के साथ हुआ है वो भी उसके दिलो दिमाग से कभी हटाया नहीं जा सकता। बिल्किस बानो के लिए सच में वो दिन काला दिन था, जब उसकी तबाही हो गई, जब उसके गर्भ में 5 महीने के पल रहे बच्चे के साथ भी बहुत गलत हो गया, उसका परिवार सारा खत्म हो गया। हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि
जो गलत करे उसको सजा मिलनी चाहिए, और इन लोगों को सजा हुई 2008 में, और उसके बाद 2022 में इनको 15 अगस्त के मौके पे छोड़ा जाता है। एक्चुअली जो सजा की माफ़ी होती है, जैसा कि गुजरात सरकार ने एक माफ़ी नीति को इस्तेमाल किया, वो उसके पीछे एक मकसद होता है। हर सरकार की एक माफ़ी नीति होती है। इस माफ़ी नीति के अनुसार समय से पहले रिहाई के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है और उसके ऊपर 2 महीने के अंदर फैसला किया जाता है, और इसी वजह से एक कमेटी गठित होती है और फिर उनको रिहा करने के पक्ष में सर्वसम्मति से फैसला लिया जाता है। देखिए, 15 साल 4 महीने वो जेल में रहे और अगर वो ताउम्र भी जेल में रहेंगे तो भी बिल्किस बानो का दर्द कम नहीं हो सकता। और इतने समय में किसी अच्छे भले इंसान का जो माइंड सेट होता है वो भी सही हो जाता है। क्या कहते हैं आप मेरे इस कंटेंट के बारे में? आप मुझे अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।